नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो बिग बॉस मराठी सीजन 2 का चौथा हफ्ता हो गया है खत्म और बारी है हंग्री स्पिरिट्स के बिग बॉस मराठी सीजन 2 के टॉप 10 की, यानी कि जो फोर्थ वीक में हुआ उसके बेसिस पे इस हफ्ते कौन है टॉप 10 की लिस्ट में। बात करने से पहले, शुरुआत करने से पहले, आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों मैंने इस हफ्ते के एक रिव्यू में ये आपसे मेंशन किया था कि इस बार टॉप 10 में बहुत शफलिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई हैं इस घर में, बिग बॉस के घर में, जिसने हिला दिया है टॉप 10 की रैंकिंग को। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे है हिना पंचाल। जी हाँ, उन्होंने आते ही घर में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है, ना सिर्फ घर में बल्कि हमारे कमेंट्स में भी। और उनकी जो अदाएं हैं, जो उनकी टाइमिंग है, जो उनका डांस है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, कुछ को नहीं भी पसंद आ रहा, इसीलिए वो है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे है माधव। जी हाँ दोस्तों, इस बार माधव भी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, क्योंकि माधव ने भी एक दो चीजें ऐसी की हैं घर के अंदर जो लगता है लोगों को कि माधव भी आगे जा सकते हैं। मगर अभी भी माधव को बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जैसी पर्सनैलिटी है, जैसी फैन फॉलोइंग साथ वो आए थे, वैसी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है, इसीलिए माधव है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं अभिजीत केलकर। जी हैं दोस्तों, अभिजीत केलकर की भी चर्चा शुरू हो गई है कमेंट्स में, उनको भी लोग पसंद करना शुरू कर रहे हैं, मगर कई बातों में नापसंद भी कर रहे हैं। फिर भी हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि जो चर्चा में है वही कंटेस्टेंट है, तो अभिजीत केलकर भी है चर्चा में, इसीलिए वो है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई है किशोरी शाहने। जी हाँ दोस्तों, किशोरी शाहने दिन ब दिन पीछे आती जा रही है। इसका कारण ये है कि वो अपनी कुछ भी स्ट्रेटजी या अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगा रही है। जो ग्रुप में बातें होती है, जो पराग बोलता है या जो रूपाली बोलती है, जो वीना बोलती है, उसको फॉलो कर रही है, इसलिए किशोरी शाहने की फैन फॉलोइंग भी कम होती जा रही है। वो है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है वैशाली। जी हाँ दोस्तों, वैशाली जो बहुत अच्छा गाती हैं, घर में एक अच्छा सा माहौल बना के रखती हैं, इस बार उनका एक और रूप भी सामने आया, गॉसिप का रूप, जो उनको लगता है कि ये बातें मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वो हर प्रेम कहानी में अपनी उत्सुकता बना रही हैं। टाइम टाइम पे उनको बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रही हैं, लोगों को ये पसंद भी आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये नापसंद भी आ रहा है जो उन्होंने बायस्ड संचालन किया, जो उन्होंने अपने केलकर फ्रेंड की मदद की, ये बातें भी कमेंट्स में हो रही हैं। तो इस हिसाब से टोटल अगर हम जजमेंट करें तो वैशाली है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गई है रूपाली। जी हाँ दोस्तों, रूपाली ने जिस तरह इस हफ्ते के एक दिन में सारी टीआरपी गेम की, वो था नंबरिंग गेम वाला दिन, जिस दिन रूपाली ने बिचकुले साहब को प्रवोक किया और उनको 4 नंबर से हिला दिया। मगर इसके साइड इफेक्ट्स भी हुए, बिचकुले साहब ने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। रूपाली ने उस टाइम पे वो बुरा नहीं माना, उनको शायद लगा कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, मगर जब सब ने ये बात उठाई, महेश मांजरेकर ने ये बात उठाई, तो रूपाली को लगा कि सच में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। फिर भी उन्होंने कवर अप किया, बातें की, सब की, मगर ये सारी चीजें जब कमेंट्स में आती हैं तो कमेंट्स बहुत ही निराले आते हैं, अलग अलग आते हैं। कुछ को रूपाली से बहुत सिंपथी हुई, कुछ ने इस चीज को एक स्ट्रेटजी बताया, कुछ ने कुछ बताया, मगर ओवरऑल अगर देखे तो रूपाली की पोजिशन कमेंट्स में इस बार थोड़ी ठीक ठाक रही, इसीलिए वो है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं रूपाली के फास्ट फ्रेंड पराग। जी हाँ दोस्तों, पराग जो बहुत सारी स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, बहुत सारी गेम खेल रहे हैं, कहीं पे पास है, कहीं पे फेल है, मगर बने हुए हैं
अपनी दौड़ में और कर रहे हैं पूरे के पूरे एफर्ट्स। लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है क्योंकि उनको वो लोग नहीं पसंद है जो खाली बैठ रहे हैं, कुछ भी ना करें, वेट करें कि कब कोई कुछ करे और उसमें वो हिस्सा लें और अपने नंबर बनाए। मगर पराग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ चीजों को क्रिएट कर रहे, सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे, इसलिए पराग पसंद आ रहे हैं और इस हफ्ते वो है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं शिव। जी हाँ दोस्तों, शिव का जो भोलापन है वो लोगों को पसंद आ रहा है, उनकी साफ दिली लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। जिस तरह से शिव सामने आ रहे हैं अपनी बातों को लेके, जिस तरह से वो वीना को हैंडल कर रहे हैं कि किस तरह वीना को जीता जाए, वीना का दिल जीता जाए, जो जो वो चीजें कर रहे हैं उसको मनाने के लिए, यूथ को वो चीजें बहुत पसंद आ रही है। चाहे वो दिल की शेप में आए, चाहे वो रोटी की शेप में आए, चाहे किसी भी शेप में आए, तो शिव के ये जो शेप वाली गेम है कि रोटी की शेप में दिल भेज रहे हैं, कलिंगर की शेप में दिल भेज रहे हैं, तो ये सारी चीजें लोगों को बहुत पसंद आ रही है। काफी चर्चा है शिव की हमारे कमेंट्स में, तो शिव है नंबर 3 के ऊपर। है नंबर 2 और नंबर 1 की, तो नंबर 2 पे इस बार आ गई है वीना जगताप। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वीना ने अपनी 3 नंबर की सीट छोड़ी और आगे बढ़ी है। आगे बढ़ने का कारण सबसे बड़ा ये है कि इस हफ्ते जो उन्होंने टास्क जीता अपनी समझदारी से, अपनी स्ट्रेटजी से, उसकी तारीफ हो रही है बहुत ज्यादा और वीना को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अभी नंबर 2 है और बहुत जल्दी आप उनको नंबर 1 पे भी देखेंगे। अगर वो अपने आप को कंट्रोल करके चलती रही, अगर वो टास्क तो इसी समझदारी से परफॉर्म करती रही, तो इस हफ्ते वीना है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गई है वो हस्ती जिसको पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। शुरू के 2 हफ्तों में उसको बिल्कुल लोगों ने पसंद नहीं किया, कमेंट्स भी नेगेटिव आ रहे थे, मगर जैसे ही शिवानी घर से बाहर गई उस हस्ती ने शाइन करना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेहा की। नेहा शितोले ने जिस तरह से पिछले 2 वीक्स में परफॉर्म किया है, पिछले वीक थोड़ा आगे आई थी, इस वीक तो उन्होंने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक से एक बंदा, एक से एक कमेंट, यहाँ तक कि शो के होस्ट भी उनकी तारीफ करने से नहीं हटे। तो इन सारी तारीफों को बटोर के, इन सारे कमेंट्स को बटोर के नेहा है इस हफ्ते नंबर 1 पे। तो दोस्तों कैसा लगा इस हफ्ते आपको बिग बॉस मराठी टॉप 10 हंगरी स्पिरिट्स की तरफ से, तो कमेंट कीजिए, बताइए आपके हिसाब से कोई नंबर आगे पीछे करना है तो बताइएगा, मगर कारण जरूर बताइएगा कि क्यों चाहते हो आपकी वो बंदा नंबर चेंज करे। तो देखते रहे हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।